सुनामी फोगाट को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, सुनामी फोगाट को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो सारे भाई राम राम, एक बार फिर स्वागत है भाई दास सोनूवाली में। सुल्तान सिंह जो मार्केट कमेटी सेक्रेटरी का जो मामला था वो थम नहीं रहा है, और हर रोज़ सोनाली फोगाट के अलग अलग बयानामे हैं, अलग अलग हथकंडे अपनाए जाने लग रहे हैं। उसके बाद में आरोप भी लगाए गए हैं कि भाई स्त्रियाँ तो उसका ऊपर पहला भी महिलाओं के को लेकर FIR दर्ज हैं, और कई तरह के और भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं भाई। करोड़ों रुपया का जो मंडी में है वो गमन कराया गया है, लेकिन उसका जो सुल्तान सिंह का पक्ष में पूरा हरियाणा तय समर्थन में आन लग रहे हैं। तो विरोध प्रदर्शन जो है उचाणा मंडी के जो सेक्रेटरी साहब हैं उसके साथ में पूरा स्टाफ है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ है जो राम राम जी। तो जो सुल्तान सिंह जो मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी साहब हैं उसका समर्थन में विरोध प्रदर्शन है, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कार्रवाई की मांग को ही लेकर के हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग को ही लेकर के कर रहे हैं, और उन पे मुकदमा 307 का दर्ज होना चाहिए, उनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए, और जो सेक्रेटरी साहब पे झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं वो कैंसिल होनी चाहिए, यही हमारी डिमांड। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि कहीं नहीं लग नहीं रहा है कि भाई कोई राजनेता उसके खिलाफ़ बयान दे रहा है या कुछ, और उसके खिलाफ कार्रवाई की कोई मांग हो रही है, वो विपरीत उसके सुल्तान सिंह पर ही महिला उत्पीड़न के कई केस की बात कही गई है, घोटाला की बात कही गई है, उसी के ऊपर ज़्यादा हदबाव बनाया गया है, लेकिन इसको लेकर कोई सी बात नहीं आई है सामने कि उसका पक्ष में कुछ हो है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम अपना धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर के जारी रखेंगे, और जब तक सरकार नहीं मांगती तब तक जारी रहे, तब तक रखा जाएगा जब तक उसको पार्टी से नहीं निकाला जाता और 307 का मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस भय के माहौल में हमारा काम करना बड़ा मुश्किल है, हमारा तो दिन रात का सीजन में काम होता है, हमारे को तो ऐसे कोई भी कहीं भी पीट देगा, फिर उसके क्या आगे की क्या तसल्ली। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी दिमाग। तो हमारे साथ मैम भी हैं, मैम तो पूछे हैं कि महिला होने के नाते उन्होंने सही करे नहीं। मैम आपने बताना पड़ा, आप महिला हो क्या, मैंने अगर आप किसी भी पद पर हो तो आपने किसी के ऊपर हाथ उठाना क्या जायज रहेगा, जैसे सोनाली फोगाट जी है ना उठाया? जायज नहीं रहेगा, बिल्कुल भी जायज नहीं रहेगा। अगर कोई गलत बोला गया तो FIR दर्ज करवा दो, 100 नंबर पर फोन कर दो, और भी बहुत सी है, ये थोड़ा ना जूते चप्पल मन जो उल्टे सुलटे बोले सोड़े, क्योंकि वहाँ पर मौका पर पुलिस भी थी, वीडियो जो वायरल हुई उसमें मौका पुलिस भी थी, लेकिन पुलिस भी खड़ी खड़ी वहाँ पर देखे गई। ये तो सोची समझी साजिश थी भाई, सब कुछ सोचा समझा था सब कुछ, हम तो जब लग रहा होगा हमारा तो धरना प्रदर्शन, जब लोग मैडम गिरफ्तार नहीं हुआ है, सेक्रेटरी साहब के प्रति मतलब सारे केस वापिस नहीं हुआ जो भी लगाया गया है, और वो अपना गिरफ्तार हो और उसको पार्टी से निकाला जाए। मैम एक बात और है, क्योंकि जो सोनाली फोगाट का बयान आया था उसमें गया था कि जो ब्रजेंद्र सिंह जो इस हारदा सांसद हैं वो और वो खुद दोनों मंडी में जमींदारों की समस्या सुनने के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद में ब्रजेंद्र सिंह का कोई बयान नहीं आया, तो इस बार हम आप कुछ कह सको? कहाँ थे ब्रजेंद्र सिंह? नहीं, वो कह रही है कि ब्रजेंद्र सिंह के साथ में ही वो दौरा पर गई थी, लेकिन उसमें कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बयान दिया है जी ब्रजेंद्र सिंह जो सांसद हैं उसके साथ में वो गई है। नहीं, ब्रजेंद्र सिंह साथ में नहीं थे, वो झूठ बोल रही, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही, अलग अलग बयान दे करके अलग अलग इल्ज़ाम लगा करके वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही। तो ब्रजेंद्र सिंह जो सांसद आए वो उसके साथ में नहीं थे, जो उसका बयान आया था कि भाई वो साथ में गए थे दौरा पर, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो तब तक ये धरना प्रदर्शन रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाए, क्योंकि अपने आप को कहीं ना कहीं अधिकारी या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी राजनेता अपनी दादागिरी दिखाकर किसी भी अधिकारी को सरेआम पीट देगा तो इसमें तो अपने आप को फिर ज़्यादा कमज़ोर महसूस करेंगे और सुरक्षित महसूस भी बिल्कुल नहीं करेंगे। ये धरना प्रदर्शन तब तक रहेगा भाइयों जब तक उसको गिरफ्तार नहीं कराया जाता, पार्टी से नहीं निकाला जाता और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती। तो आगे की जो भी कार्रवाई होगी आपका श्यामी आ जाएगी, और जो भी जानकारी मिलेगी आप तक जरूर प्रोवाइड कराया जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई ने जय हिंद, वंदे मातरम।